छाप उतरो बड़ो बाबा अरे पूछे मत भाई रान खेत तक रुकाल गियो हां यानी मचा उतरो छाप काट दे तो बहन दिक्कत है कालो या बुरु कालो छाप हो दिक्कत है भाई काई गन पड़िया काई कर ले बड़े जो छाप खाई जों तो छाप को कटियो तो पानी भी नहीं मांगे लो टपक जाए बड़ी बड़ी रे जाई पर तो काई मना ले खेत तक मैं कोई चीज तो तेन तो बात आ रही है अब अगला खेत तक मैं मकान बनाऊं तो कत्तो बारी पड़ जाए मारे कोई जुगाड़ है तो थे बताऊं जुगाड़ है कोई खेतम घर बनाना हां खेतम घर बनाना जुगाड़ देखो आप मजा आएगा हो जाएगा तेरा काम हो जाएगा तो कैसे आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं जुगाड़ की मदद से खेतों के अंदर एक बहुत ही यूनिक घर जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले ये देखते हैं कि ये इतनी मजबूत भी है या फिर नहीं। गिरो नोप ओ भाई भाई ओए प्लीज देखो काम हो जाएगा तो इस टंकी को अपन यहाँ से काटेंगे और काट भी काटेंगे इसको तो हाँ अरे भाई 50-60 हज़ार की ये टंकी अरे भाई काट लो तुम तो ना लाइन पे यहाँ से काटेंगे और काट के इसके अंदर गेट बनाएंगे जिससे कि अपन इसके अंदर जा सकें। थर्ड गाइस मान ले इसने चश्मा नहीं पहनी ये अंधा हो जाएगा फिर ये कुछ काम नहीं कर पाएगा फिर इसको भीख मांगनी पड़ेगी क्या मतलब रह जाएगा रोड पे ऐसे घूमेगा काट ये तो गाइस यार अब इसके अंदर हम जो है बेस बनाएंगे बेड बनाएंगे और यहाँ पे एक खिड़की बनाएंगे आर पार दिखने वाली भाई मदद कर दे ये चीज इससे काट सकते हैं ठीक है ना माज कर दी वाह बेटे वाह जो हमारा रूम है वो तैयार हो रहा है तो आप बने रहे वीडियो में। ले भाई करो उठ रे लो उठ रे भाई उठ रे बेटा ओ बेटा ऊपर है भाई तो आ बेटा नींद आ रही बेटा ना काम कौन के हरियो बेटा मारे नहीं मारे हरियो भाई हेल्प पत्ती बेटा तो गाइस यार यहाँ पे हमने जो बेड है उसका फ्रेम बना दिया है लेकिन इसका मुंह काफी छोटा है इसीलिए हमें इसके अंदर जो प्लाईबोर्ड है वो डालनी पड़ेगी। डालने के लिए हमने जो है इन्हें वो दो बराबर हिस्सों के अंदर काट दिया है और अब ये आसानी से अंदर चली जाएगी।
बन गई खिड़की। अरे वाह, तेरे घर को तोड़ देगा ये भी। अरे ओ जानवर। तो गाइस यार, हमारा जो घर है उसका बेसिक फ्रेम कंप्लीट हो गया है। अब इसको कलर करते हैं। बाबा कौन सा कलर करें बता? हरा कर देते। ठीक है गाइस, तो अब इस पे कलर करते हैं। हरे कलर का मकान होगा, खोलो और बाहर लेके चलो और कलर करते हैं। और फिर लेके चलते हैं इसको लोकेशन पे। भाई लोग, मेरे घर का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। देख सकते हो दिलराज भाई और मोटा भाई सब लगे हुए हैं। देखो गाइस, यहाँ पे जो है घर के अंदर सजावट का काम चल रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो। तो भाई लोगों, अब हम बना रहे हैं अपने घर के लिए भाई सीढ़ी। इसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी तो चाहिए ना। तो ये देखो, ये सीढ़ी है। अभी देखना इसको कैसे बनाते हैं। ये हमने सनरूफ बना दी है, क्योंकि ऐसे सोएंगे तो रात को तारे भी गिनने होते हैं। उसके लिए ये इसका काम चल रहा है। गाइस, अभी हम गेट को फाइनल रूप दे रहे हैं। लगभग आधे से ज्यादा काम हो गया है। गेट को फाइनल रूप देते ही गेट को लगाते हैं, फिर हम चलेंगे लोकेशन के ऊपर। ये देखो दिनेश क्या कर रहा है। तो भाई, बहुत सारा काम हो गया है। अब भैया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है। वो देखो भैया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। बोट आजा। अरे यार, बिल्कुल दे दे ट्रैक्टर चल रहा है। चला बोल आ ही नहीं। अरे ब्रेक लगा दे। जितना काम यहाँ पे हो सकता था वो सारा हमने कर लिया। अब हमें लोकेशन पे जाना है। लोकेशन पे जाने के बाद ही सारा काम करना होगा। सोलर प्लेट, ये टंकी और बहुत सारा सामान हमें वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। चलो भरो, उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सामान, बाकी सामान पुन रखी काको। प्लेयर रखो एक ही। चावल खा लो गाइस। चावल के साथ मेरे पास आज नींबू भी है, दही भी है। चावल खा लो गाइस। चावल, दिस इज कॉल्ड राइस। हिंदी में बोले तो चावल, अगर राइस अंग्रेजी में बोले तो राइस, जो भी है। ये आ गए हम लोकेशन के ऊपर, और ये रहे बाबा औरी के खेत। कि भाई यही है तुम्हारा खेत? हाँ यही है, यही। तो भाई कहाँ पे तुम्हें सांप खाने वाला था? यही तो सोचा था। तो गाइस यार, बाबा ने बताया है ये दो बबूल के पेड़ है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी के ऊपर अपन जो है अपने घर का सेटअप करेंगे। ये देखो, ये दोनों सूखे पेड़ है गाइस। ये भी सूखा हुआ है और ये भी पूरी तरीके से सूखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में हम बनाने वाले हैं बाबा के लिए घर। इधर देखो क्या बनाने वाले हैं। घर। अरे चिल्लाओ घर एक बार ऐसे। बस बस, अब काम करो, टंकी उतारो, चलो जाओ। टूट जाएगी भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई। ओए आ गया भाई, दादा। ओए चंबे आनी है, ओए साइड में जा।
कौन टूटे जमना यार कौन टूटे जमना चमन ने बिल्कुल सही कहा है कि वो डाला टूट सकता है क्योंकि सूखा पेड़ है। इसने ऊपर चढ़ के साबित ही कर दिया। वहाँ नीचे जा रहे बाबू। गाइस टंकी बाहर आ गई है और टंकी को थोड़ा सा मजबूत सपोर्ट देने के लिए हमने ये स्पेशल जुगाड़ बनाए हैं। ये क्लिप्स है, इस टंकी को पहनाते हैं और इसको लटकाते हैं। इसे आप ट्री हाउस बोलो या टैंक हाउस जो भी बोलो। सारा भाई चमन का ही रहा ट्री हाउस। यार तू रहा आज का ही बना रही हो तू? आज थारा भाई चमन बाबा के लिए घर बना रहा है। चल ठीक है बना बना बना। गाइस एक रस्सा उधर बांध दिया हमने और ये उसकी लग रही है गिटार। फैन लगा एग्जॉस्ट फैन। अच्छा बढ़िया सी जगह देकर ठीक है। मावान गर्मी है भी कहीं जो कर जियो। हां छोरा दिक्कत नहीं आनी जाओ पूरा पूरी व्यवस्था करो। एग्जॉस्ट फैन लगाओ। नयो जाया बिल्कुल साहब नयो है बिल्कुल। पेटी पैक करंट आ जुल भाई है भैया। तो गाइस ये है चैन कुप्पी और इसकी मदद से क्या है कि अपन इस टैंक को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि रस्सी की मदद से खींचना बहुत ज्यादा छाया छोड़े तावड़ो नहीं आ रही वीडियो बढ़िया नहीं आ रही हमारी। अरे फिल्टर तो लाइयो जो गोरे। तो समझ लिए यार भाई साहब इन लगाड़ो एक मिला रहा मन सारा भाई जमीन लगा यार। गाइस काम करते करते यार शाम हो गई। शाम को अभी भी टेस्टिंग चल रही है वो देखो उधर। तो आज में तो सारा काम नहीं होगा। आज जितना होगा उतना करेंगे बाकी कल इस घर को पूरा फुल एंड फाइनल कर देंगे ये वादा रहा। विक्रम ओ विक्रम दिनेश ऊपर लटक रहा है उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। क्या उसके नीचे बहुत सारे कांटे लगाते हैं और आग लगा देते हैं। शाबाश लगा दो ना तो उसमें क्या दिक्कत है। मजा आएगा मजा आएगा। अरे तो प्रैंक है ना ये तो प्रैंक ही थे भाई मजा प्रैंक है ना। प्रैंक कर रहे अपन तो रियल थोड़ी है उसको थोड़ी पता है कि प्रैंक है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये तो तेरा क्या मन है उससे पूछ लो एक बार। ओए तेरे साथ है प्रैंक कर रहे हम के कर रहे के ये नीचे हम काटे लगा देते हैं और फिर आग लगा देते हैं ठीक है सही है ना। जिंदो तो बस गयो देख ली नहीं भाई प्रैंक यार इसका नाम पकौड़ा बन जाएगा इसका। पकौड़े बना रहे हो तेरे बड़ा मन जिंदो नीचा बजेगा नहीं जिंदो तोड़ दियो। गाइस खेतों के अंदर काम करने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ेगी तो ये जुगाड़ है गाइस इसकी मदद से बिजली बनाएंगे और जो भी कटर वगैरह ड्रिल मशीन वगैरह चलानी हो चलाएंगे और आज फाइनली इस घर को बना देंगे यार। मतलब 2 से 3 दिन होने वाले हैं आज बना देंगे। उतारो नीचे उतारो। बाकी गाइस रात भर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सारी चीजें वैसे की वैसी है ना कोई चीज इधर से उधर हुई मतलब चोरी नहीं हुई वैसे की। आंदो तो भाई यार ये ना ये थोड़ा सा क्या यहाँ पे सपोर्ट नहीं इस कारण क्या ये ऐसे हो रहा है तिरछा इस वजह से यहाँ पे क्या एक एक बेल्ट ये बेल्ट कर देंगे सरिया और ये इधर जाना वो हो जाएगा फिर ये रुक जाएगा मतलब जाएगा नहीं उधर। हर भाई चमन आज बेल्डिंग करेगा। भाई लोग बाबा के घर के कलर करते हैं मैं तो नहीं करा था अब बाकी करते बाकी बचा हुआ था चलो तो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों ये राजस्थान है राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है इसलिए गर्म भाप बाहर के अंदर की बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे। तो भाई लोगों अब लगाते हैं अपने मकान के बाहर होल्डर बल्ब क्योंकि रोशनी चाहिए रात को।
गाइस अब बाबा के घर पे ये लाइट लगाएंगे इसकी मदद से। इसका ये क्या संकेत है ये बता पहले तो। ये इमरजेंसी के लिए कभी बाबा को प्रॉब्लम है ना तो ये चलने लग जाएगी। अच्छा तू देखेगा ऊपर से मतलब लगाने जरूरी है बाबा घर पे। हमारे गांव में जो बूटे होते हैं इनको बुना जाता है, मतलब दाल के जो पौधे होते हैं उनको आग के अंदर, उन्होंने बोलते हैं हम फोड़े। क्या बोलते हैं भाई? अरे तो हेकले यार, डिलीट कर दीजिए रे ना है थोड़ा तो हेक रहा बढ़ जाए इधर का टाइम। बढ़िया बुन रही है भाई, एक नंबर भाई। एडिटर रखे तो गाइज ये एडिटर रखे तो स्पीच दे रहा हूँ ना, तो गाइज ये है ना मतलब कि टेस्ट में अच्छे होते हैं बस। एक तो यार कट कर दीजिए रिचो कट। तो भाई लोगों मेरे लिए नई LCD लेकर आए, आराम से देखूंगा खेतों में। पानी बोतल दीजिए यार, पानी पा तुम्हारे गुस्ता ये रास काट गयो वाला। और एक जाम पड़े ना ग्लिफ्ट हो गयो बैठी भाई ने मार गयो। गले चल बिना पकड़ चमना बंद पकड़ बंद पकड़ अरे पकड़ इन्हें। तो गाइस अब वक्त है हमारे इस घर को हवा में उठाने का। लगाओ चेन कुप्पी खींचो उठाओ। तो गाइस आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा घर हवा के अंदर जा रहा है। बराबर उठाओ बराबर उठाओ। गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हमारा घर हवा के अंदर है। ये देखो गाइस नीचे कुछ भी नहीं है और ये हमने सीढ़ी लगा रखी है इसके अंदर ऊपर चढ़ने के लिए। और जान दो खेचो। बस 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 बस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो घर है वो हवा के अंदर है। बाबा इधर आ, अब तो निकालेगा ना सांप। अरे यार सांप के जानवर कोई सा भी नहीं आ पाएगा पास में, बहुत ऊपर हो गया। ऑलराइट गाइस तो अभी इसके अंदर बिस्तर वगैरह लगाने बाकी है। लाइटिंग वाइटिंग हमने सारी कर दी है, थोड़े बहुत बिस्तर वगैरह लगाने बाकी है। और ये आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से इसके अंदर अपन चढ़ सकते हैं और झूला भी झूल सकते हैं। चलो बाकी की चीजें लाओ, तकिए वकिए सारी चीजें लाओ, अंदर डालते फटाफट फटाफट। होम स्वीट होम। आंदे बिस्तर आंदे। अरे भाई अंदर अभी गर्मी है, कूलर लेना पड़ेगा। कूलर दो कूलर गाइस, छोटा कूलर भी है हमारे पास। आंदे तो गाइस यार फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पेश है आपके सामने हमारा प्यारा सा ट्रे हाउस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा होम स्वीट होम अंदर से। आ जाओ ये देखो गाइस। सबसे पहले तो अपन जो है दरवाजा बंद कर लेते हैं गाइस। ये हो गया गाइस अपना दरवाजा बंद कुछ इस तरीके से। और ये रहा हमारा होम स्वीट होम। देखो ये देखो गाइस है ना एक नंबर यार। और ये सारी चीजें हैं एक टंकी के अंदर। मजा आ गया। दो जने इसके अंदर आराम से आ सकते हैं भाई लोगों। ऊपर छत है, छत सनरूफ। We'll be right back.
मैगी लाने की, कोका कोला लाने की, नमकीन की थैली लाने की, और क्या बना है, दाल बाटी है? तो दाल बाटी चूर में के गाइस जन्नत, वहाँ पे घर है, यार दोस्त है, बीच में आग जल रही है और हम बनाने वाले हैं दाल बाटी। बताओ यार, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? और क्या चाहिए लाइफ में यार, और क्या चाहिए? चाहिए यार, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, करते ही नहीं हो आजकल यार। अब बताओ यार, सब्सक्राइब करो, एक दो तीन, रील स्टार्ट। अब हमारे भी फॉलोअर होंगे इंस्टाग्राम पर। भाई कुछ कहना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तेरे को फॉलोअर चाहिए क्या? कोई कुछ क्या कर सकता है तू उसके लिए? यार कुछ नहीं कर सकता। गाइस ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है गाइस, इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो गाइस जल्दी। क्या बोलते, फॉलोअर कर दो गाइस, फॉलोअर कर दो गाइस। ये बहुत दुखी, इसने बाल कटा लिए इसके चक्कर के अंदर, 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है गाइस, 2 किलो वजन बढ़ा चुका है अपना। हंसो यार। गाइस तैयार, तीन स्टार्ट। ओहो ओहो, मेरे ख्यालों का कुछ नजारा तू बस, अनजाने राह में साथ रहे मेरे तू बस, बारिश का मौसम ठंडी हवाएं तू बस, सितारों की चादर तले रहे पर वे यार, बहुत बढ़िया लग्जरी रूम है ये तो पूरा। तो अब तो निकालेगा साहब, कुछ भी निकालेगा अब तो, आप भी निकाल सकते मेरे को। तो गाइस वो टाइट पे बंद करना एक बारी। तो गाइस ये हो गया घर बंद, यहाँ पे जल रही है आग, यहाँ पे है बहुत सारे दोस्त और इसके अंदर अभी जल रही है लाइट्स। आ जाओ मैं इधर से दिखाता हूँ, आ जाओ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है दूर से, देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है यार, और बहुत ही शानदार। और गाइस देखो पूरा यहाँ पे सुनसान है, ये देखो गाइस कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे बस एक ही चीज है, शांति और कुछ भी नहीं। दूर से देखो गाइस यार, दो तो गाइस यार आज तो बाबा भाई के साथ में हम लोग हैं। अब जो है ये देखो, इसमें झूला भी खा सकते हैं, ये देखो अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। अब इनको समझाना बहुत भारी काम है, मैं विदा लेता हूँ आपसे, इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हम, और तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, और गाना चला गाना चला, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।